बार पहना था, ईद पे लिया था मैंने, ईद पे ही पहना था, फिर उसके बाद मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो आज हम जैसे मदीना से बाहर जा रहे हैं एक ट्रिप का जो हमने प्लान किया हुआ था बच्चों के साथ, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसे पहन ही लूँ क्योंकि इसे लेने का कोई फ़ायदा ना हुआ, एक बार पहन लिया। क्योंकि जब हम चीज़ को पहनते हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पैसे वसूल हो गए, लेकिन मेरे इस अफवाह के जो पैसे हैं ना वो अभी तक वसूल नहीं हुए, तो इसलिए आज मैंने पहन लिया। मैंने कहा अगर मैंने लिया है तो मैं उसे पहनूंगी सही। तो अभी मैं गाड़ी से आप सबको दिखा रही हूँ, सब जैसे बैठे हुए हैं यहाँ, वहाँ पर है मुस्तफ़ा, मोना, आनिया, तमन्ना और यहाँ पर है मेरी मलाक। जब मलाक बड़ी हो जाएगी तब भी हमने गाड़ी ली होगी और मलाक की जगह पर, तब तक हम कोई ना कोई गाड़ी चेंज कर लेंगे। तो अभी हमारा सफर जो है ना वो रवा दवा है, और बाहर जो गर्मी है ना, जो दर्जा हरारत है, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि 45 है, गर्मी बहुत है। तो मदीना से बाहर निकलने के बाद हमें पता चलेगा कि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ का दर्जा हरारत लेवल क्या है। तो पहले पहले अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ से अपनी गाड़ी की जो टैंकी है वो हमने फुल करवानी है, क्योंकि जाहिर है हम मदीना से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारी जो गाड़ी की टैंकी है वो फुल होनी बहुत जरूरी है। क्या खाया जा रहा है, क्या चीज है ये? अच्छा चॉकलेट खाई जा रही है, दो से ना ठंडा पानी, दो सबको क्रिकेट इसने सुन ले है, ठंडा पानी ले आए एक तो गाड़ी में 24 घंटे हम जब भी बैठेंगे इन दोनों की लड़ाई नहीं खत्म। तमन्ना और मोना, हाँ तमन्ना नहीं नहीं सॉरी सॉरी हानिया और तमन्ना, पानी है ठंडा कूलर में, किसको चाहिए? इसको पिलाते हैं मलाक को, मुसा प्लीज हानिया को दो, दो पकड़ाओ एक पीस मुझे, चलो ये लो, ये गलत बात नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, अच्छा नहीं लगता, हमें मांगने की आदत नहीं है ना, मांगने की आदत सिर्फ एक इंसान को है हमारे घर में, मांगने की आदत सिर्फ हानिया को है जी। पेट्रोल हमने डलवा लिए है, हमारी गाड़ी की टैंकी फुल हो गई है, तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मदीना मुनव्वरा से निकलने के बाद काफ़ी टाइम सफ़र करने के बाद तो अभी हमें गर्मी थोड़ी महसूस हुई है, वैसे है तो गर्मी ज़ाहिर है 45 पे दर्जा हरारत है। तो हमने लिया अभी रास्ते से मरिंडा, कितनी 46 पे है। तो अभी हम इस गर्म मौसम में इस ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक से ना अपनी गर्मी की थोड़ी बहुत जो प्यास है वो बुझाते हैं। मुस्तफ़ा मोना ये पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, गिर ना जाए मेरे हाथ से। हानिया कहाँ चली गई है? हानिया आप तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगी ना? तमन्ना ये पकड़ो, ये दे दो हानिया को। का जो व्यू है ना इतना प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और एक जबरदस्त सी चीज है जो अभी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे नजर आया है पपाया का एक ट्री जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, एक नहीं एक यहाँ पे भी है, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये देखिए कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं माशाल्लाह, इसके साथ और भी है जो लगे हुए नीचे, काफी सारे लगे हुए हैं। अच्छा ये ना सौदे में मैं पहली बार देख रही हूँ, ये नहीं पता कि किसी ने देखे या नहीं देखे, लेकिन मैं अपनी आंखों से सौदे में पहली बार देख रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये खूबसूरती इस बाग की आप सबके साथ ही मैं शेयर करूँ। माशाल्लाह हम इस बाग को देखते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर जो है ना फ्रूट्स के ट्रीज भी लगे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत बाग है ये। अच्छा तो हम जहाँ पर जाने वाले हैं तकरीबन हम अपनी मंजिल के कुछ कुछ करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 43 पे है। अच्छा मदीना में जो दर्जा हरारत था ना वो तकरीबन 46 था, और इस एरिया में जो है ना वो तकरीबन 42 है, और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं ना तो वहाँ पर होगा 35-36 के अराउंड ऐसे होगा, यानी काफी ठंडा इलाका है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे, बारिशें होती हैं, सर्दी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की सर्दी होती है वहाँ, क्योंकि वो जो इलाका है वो ऊंचाई पे है ना। आगे जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी जो है ना वो ऊंचाई की तरफ जा रही है, और शायद यहीं से आप सबको याद भी आ रहा होगा कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। माशाल्लाह मौसम चेक करें, यहाँ का मौसम बड़ा ही जबरदस्त है, और गर्मी भी आराम आराम से जो है ना गर्मी का लेवल वो नीचे की तरफ जा रहा है जो जो हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। मौसम और यहाँ
यहाँ का जो व्यू इतना जबरदस्त है ना, मैं यहाँ पे रुक गई हूँ कुछ देर के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर मुझे रुकना है कि यहाँ पे रुक के ना ये जबरदस्त सा जो व्यू है ना, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और ना इसके अलावा एक और बड़ी जबरदस्त सी चीज है जो अभी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वहाँ पे गहराई में ना, हम काफी ऊंचाई पर है इस टाइम, लेकिन वहाँ पे गहराई में काफी जो है ना वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे लोगों के घर है, और जिस तरह से लोग वहाँ पे देहात में रहते हैं और उनका जो दारोमदार है, जैसे क्रिया मवेशी हो गए, ऊंट हो गए, उनपे उनका सारा दारोमदार है। इलाका इतना ज्यादा खूबसूरत है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है कि ये जो मेरे सामने यहाँ पे खजूर के जो दरख्त आप सबको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के घर बने हुए हैं, जो लोग जैसे कि देहात में रहते हैं और उनका दारोमदार जैसे कि मवेशियों पर होता है। तकरीबन हम वहाँ से ऊंचाई से ना, मैं वहाँ से देखते आ रही थी कि नीचे, ये सिर्फ यहाँ से नहीं है, ये जो जगह मैंने अभी आप सबको दिखाई है सिर्फ यहाँ से नहीं, काफी पीछे से ना ये जगह शुरू हो गई थी और नीचे छोटे छोटे घर बने हुए हैं लोगों के, और काफी सारे पीछे मुझे जो दिखाई दी जैसे कि जानवर वगैरह। और यहाँ से वैसे मैं अभी आप सबको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह सऊदी अरब को जो कंट्री है, इतना एडवांस होने के बावजूद भी काफी लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना काफी ज्यादा हेल्पर है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपने लोगों को प्रमोट करने में, उनको आगे बढ़ने में। लेकिन शायद यहाँ के लोगों को ये लाइफ बहुत पसंद है क्योंकि इस जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सुकून है। तो अभी आराम आराम से ना माशाल्लाह हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। घोड़े दिख रहे थे, ये सारे गधे हैं, बहुत ही ज्यादा तादाद में है यहाँ पे। और वेदर देखें यहाँ का, माशाल्लाह मौसम इतना जबरदस्त है, हवा ठंडी चल रही है। और इस जगह पे हम सामने बैठते हैं, मैं आप सबको करीब से दिखाती हूँ। देखिए इस जगह पे हम हमेशा बैठते हैं, यहाँ पे जो है ना एक झोपड़ी टाइप बना हुआ है, और यहीं पे बारिश भी, मेरे लास्ट व्लॉग में बारिश आ गई थी और हमने फार्म हाउस पे जाके अपनी कुकिंग कम्प्लीट की थी, तो वहाँ पर अभी ना एक गाड़ी खड़ी हुई है, शायद कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ पर जाएं, मौसम इतना जबरदस्त है ना यहाँ का, मेरा दिल करता है कि अब हम यहीं पर ही रह जाएं जब तक मदीना मुनव्वरा से गर्मी नहीं खत्म होती, या थोड़ी सी जो है ना वो गर्मी हल्की नहीं हो जाती। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हालांकि देखें फुल धूप निकली हुई है और आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं ये देखें, लेकिन उसके बावजूद भी ना मौसम यहाँ का बिल्कुल ठंडा है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमने कहाँ पे बैठना है, वो हमारी जगह होती थी तो हम आज देख रहे हैं कि इस साइड पे जाके हम बैठते हैं ना, क्योंकि हमें वो वाला सीन भी देखना है जो पहाड़ों के पीछे जो सीन है। वैसे तो हम किसी जगह पे भी बैठ सकते हैं, पीछे काफी सारी जगह है, और ये देखें ऊपर तो ये एक पूरा जो है ना ये पॉइंट बना हुआ है, पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ पर भी अभी हमने देखा है ऊपर नीचे, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी यहाँ पर गाड़ियां ही खड़ी हुई है, वहाँ पर भी कोई चांस नहीं बैठने का क्योंकि वीकेंड है। मुस्तफा ने अपने लिए यहाँ पे जगह ढूंढ लिया और हानिया भी यहीं पे बैठ के, कहते हैं यहीं पे कुकिंग करेंगे, यहाँ पे कुछ साया नजर आ रहा है। और गैंग्स गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पे आके जो हमारा खेमा था उसके ऊपर एक गैंगस्टर ने कब्जा कर लिया। आ जाओ आगे जा रहे हैं, अभी हम रास्ता देखने के लिए। अब ये दोनों ना कुछ हानिया के साथ प्रैंक करने का सोच रही है, मेरी छोटी बच्ची इनको मिलती है प्रैंक करने के लिए। आ जाओ मामा के पास। छोटी बच्ची है? हाँ, क्या ये बड़ी है? सबको प्रैंक करने के लिए यही मिलती है बस। हम सबसे पहले देखो मलाक वहाँ पे पहुँच गई है। अब ये क्या हो रहा है, मेरी मलाक को तो वापस लेकर आए इतनी दूर वहाँ पे ऊंचाई पे चले गए। चलो मुस्फा चल के व्यू देखते हैं वहाँ से, आपके पापा कह रहे हैं बहुत खूबसूरत व्यू है वहाँ से। कोई जंप नहीं करना यहाँ से। अच्छा, ख्याल से हानिया, आगे नहीं जाना, ऊपर बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। हाँ बस, आप छोटे बच्चे हो क्या? क्या देखिए यहाँ तक चढ़ गए, वो तो वहाँ से डर रही है। मलाक यहाँ पे भी खेल रही है, अभी मलाक फ्रेश हो गई है ना, हवा इतनी चल रही है। मलाक इधर तो देखो, आप पहली बार आई हो ना मलाक यहाँ पे। मलाक को जब हम लास्ट टाइम आए थे ना तब मलाक को हमारे साथ नहीं थी, ये मेरा बच्चा हमारे साथ नहीं था, इसके बगैर हम आए थे। माशाल्लाह आज मलाक हमारे साथ है, वो दोनों वहाँ पर जाकर बैठ गई है। अभी हम आ गए हैं वापस और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं किसी और रास्ते की तलाश में, कि यहाँ पे जो है कुकिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे कुकिंग करना मुनासिब नहीं लग रहा, कुकिंग की कोई जगह जो हमें परफेक्ट नहीं नजर आ रही। हाँ, किसी खुफिया जगह पे चलते। अच्छा, यहाँ पे जिन भी होते हो। अभी हमने फाइनली ये वाली जगह ढूंढी। चलो हानिया, ये बैग मुझे कितना, और ये रही मलाक मेरे पास। मलाक बहुत खुश है यहाँ पे आके, ठंडी हवा चल रही है, दिल कर रहा है यहाँ पे घर रहे।
अन्य एक घर बना ले यहाँ पे छोटा सा, एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और आराम आराम से हम अपना सेटअप यहाँ पर बना रहे हैं। मलाक को लेके इधर आ जाओ, ये आगे मलाक की प्रेम। तो मलाक को अभी हम बिठा रहे हैं प्रेम में ताकि मलाक बैठ के ना हमें देखती रहे कि हम क्या करें। और माशाल्लाह यहाँ पे देखें एक पहले से एक गाड़ी खड़ी हुई है और इधर पीछे ना हमारे दो तीन वहाँ पर फैमिलीज बैठी हुई है और अभी अभी भी एक फैमिली यहाँ पर आ गई है। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो मैंने ना नीचे से खड़े होकर ना आप सबको दिखाया था कि ये एक ट्रिप पॉइंट पहाड़ जैसे ऊपर की तरफ था ना, तो ऊपर भी ना इसके टॉप पे भी ना काफी सारे लोग जाके ऊपर भी बैठे हैं, तो ऊपर से जो व्यू है वो अलग ही नजर आता है। फिलहाल जो है यहाँ से ये देखें ये व्यू, लेकिन इस साइड से खूबसूरत इतना नहीं नजर आ रहा जहाँ से जहाँ हम अपनी झोंपड़ी में बैठते ना वो एक अलग ही व्यू होता है। मलाक भी यहाँ पर आके ना बहुत ही खुश है माशाल्लाह, है ना बहुत खुश है मलाक को यहाँ पे। हानिया ये इधर ले करो, यहाँ पे रखो यहाँ पे। हाँ तो अच्छी बात है ना, हानिया काम कर रही है, अच्छी बच्ची है हानिया। मलाक को भी वहाँ पर लेकर जाओ मोना, यहाँ पे ये अकेली बैठी रहेगी, इसने क्या मेरी कुकिंग देखनी है यहाँ पे? उधर ले जाओ वहाँ पे अपने साथ, यहीं पे लेट जाओ, अच्छी भली जगह है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों ने आके ना खेलना भी शुरू कर दिया फुटबॉल से, यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं, ये देखिए काफी अच्छा ये ना फैमिली पिकनिक पॉइंट है माशाल्लाह। अच्छा अभी ना मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि इसके आगे भी और जगह बनी हुई बैठने की, यहाँ से तो इतनी खतरनाक जगह मुझे लग रही है, कैसे यहाँ से फैमिलीज जाते होंगे, कहाँ से ही रास्ता है, मुझे तो कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अरे वाह, यहाँ पर तो एक बहुत ही खूबसूरत सा दरख्त भी है माशाल्लाह, ये देखें पहाड़ों के बीच में हरियाली, वहाँ पे भी देखें। फिर अगर जब अंधेरा हो जाएगा ना तो फिर यहाँ से इजी नहीं होगा ऊपर जाना। अच्छा वैसे जगह बहुत प्यारी लग रही है ये वाली, सच में बहुत खूबसूरत है ये जगह, लेकिन फिर अब वहाँ से यहाँ से अब बच्चे नजर भी नहीं आ रहे मुझे ऊपर है, वहाँ से अब एक एक चीज हम यहाँ पर लेकर आए, वहाँ पे बस अब ठीक बैठे बस जगह देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखें एक पूरा सेटअप बना हुआ है, चूल्हा भी बना हुआ, यहाँ पे आग जलाते हैं। चले अभी बात है आप सबसे बहुत कर ली है, यहाँ का खूबसूरत वेदर भी आप सबके साथ शेयर कर दिया है, इतनी खूबसूरत जगह जो कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी यहाँ पर जो हमने अपना सेटअप बनाया है ना उसमें अभी मैं करने लगी हूँ कुकिंग, और यहाँ पर है मेरे पास फिश, तो मैंने रात को मसाला लगा के रख दिया था, तो भी ये बहुत ही मजेदार बनने वाली है। तकरीबन इसे कोई 11-12 घंटे हो गई है। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैं बनाना है थोड़ा सा बेसन का पेस्ट, उसको जो मैंने मसाला लगाया हुआ है ना तो उसको क्या करना है मैंने डिप करना है, और डिप करके फिर हम उसे फ्राई करते जाएंगे। और यहाँ पर है बेसन, जल्दी से ना मैं ये बना लेती हूँ क्योंकि बाकी जो है सब कुछ वो रेडी है। हेलो हेलो, क्या करेंगे मुझे जान वहाँ पे बैठ के, सारी चीजें अपने साथ लेके बैठी हुई खेलने के लिए, है ना, मजा आ रहा है आपको। मलाक मलाक हो अपनी मस्ती में मस्त हैं दोनों। तो यहाँ पर एक बार हमारी फिश जो है वो फ्राई हो चुकी है, अभी मैंने इसे रख दिया ठंडा होने के लिए, ये जैसे कुछ देर तक ठंडी होते तो इसे मैं दोबारा से फ्राई करूंगी। दोबारा से फ्राई करने से ना एक तो फिश अच्छी तरीके से अंदर से बाहर से पक जाती है और इसका जो टेस्ट है ना उसमें भी इजाफा होता है। यहाँ पर ना बच्चों को मैंने अभी बेसन से थोड़े से पकौड़े बना के दिए, बच्चे वो पकौड़े खा रहे हैं और तमन्ना जो है ना वहाँ पर बैठी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठ के कॉफी पी रहे हैं। शाम हो रही है, जूं जूं शाम हो रही है ना माशाल्लाह मौसम और भी ज्यादा खूबसूरत बनता जा रहा है। ये देखें यहाँ पर अभी हमारी मजेदार सी फिश बन के तैयार हो गई है, साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी फ्राई की है क्योंकि मैंने इसमें मिर्ची जो है ना कम डाली है बच्चों की वजह से, अगर मेरे हस्बैंड ने खानी तो वो यहाँ से खा लेंगे, अगर मैंने भी खानी तो यहाँ से खा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसका लुक आया है फाइनल हमारी फिश का, और बहुत मजे की भी बनी हुई है। और यहाँ पर जो है ना हमने अभी दस्तरखान लगा दिए और मौसम देखे ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है, मगरब का जो टाइम है वो हो गया, मगरब की अजान हो गई है ना, अभी हो रही है मगरब की अजान और हल्की हल्की बारिश हो रही है। अच्छा मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे बारिश होगी इस मौसम में, तो अभी बारिश में ही बैठ के ना हम हल्की हल्की बूंदाबांदी यानी ऐसी है कि जिससे हम बैठ के मजे से सुकून से ना ये गर्मा गर्म जो फिश है उसका मजा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं पता क्या करती हूँ, हाँ चम्मच बारिश का पानी गिलास में लेके पीते हैं। अच्छा फिश के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास चटपटी चटनी भी है, मैंने मोना को घर से कहा था कि ना आप बना लो, ये चटनी भी होगी। यहाँ पर हमने लेमन भी कट कर लिए, रोटी भी यहाँ पे रख दिया, तो बस जल्दी से ना ऊपर से बादलों की गरजने की आवाज़ भी आ रही है साथ साथ, बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सा अपना खाना खाते हैं। बहुत ही अच्छा खासा हमने इंजॉय किया है।
खाना खाने के बाद अभी तमन्ना ने बनाई है सबके लिए चाय और इसने कप्स में भी डाल दिए और हमारे चारों तरफ जो है ना आप सब देख सकते हैं कि अंधेरा छा चुका है। बस हम अभी चाय पीने वाले हैं, चाय पी के बस फिर हम निकलते हैं यहाँ से। दे दो चाय, साइड पे करो गिर ना जाए। मौसम इतना ठंडा हो गया ना, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा हमारा यहाँ से जाने के लिए। बस दिल कर रहा ना कि पूरी रात भी हम यहाँ पर बैठ जाएं तो भी हमें बिल्कुल भी ना वो बोर नहीं लगेगा। अभी हमने अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी में रख दिया, गाड़ी में सब बैठ गए हैं और मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ इसलिए क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को पीछे से रास्ता बताना है क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली बैठी थी ना अभी कुछ ही देर पहले वो भी चले गए हैं। दो तीन फैमिली बैठी थी सब चले गए, लास्ट में अभी हम ही रह गए हैं। वहाँ से मैं पीछे से रास्ता देख के उन्हें बताऊंगी तो गाड़ी हम आगे लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना मैं गाड़ी में बैठूंगी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि इस तरह से ना सेफ हमारी जर्नी रहेगी इंशाल्लाह। इन्हें हंसी आ रही है कि मैंने रास्ता बता रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अभी हम मेन रोड पर पहुंच गए हैं, कोई डर नहीं है। पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि जाहिर है जो रास्ते हैं वो ऊंचे नीचे हैं। तो अभी अभी हम अलफिकरा से एग्जिट होने वाले हैं और ये देखें दर्जा हरारत देखें 25, क्योंकि रात का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया, इतनी ठंडी हवा चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मदीना में पहुंच गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सामने जो ग्लास है गाड़ी का वो इसलिए धुंधला है क्योंकि रास्ते में हल्की फुल्की जो है ना वो बूंदाबांदी चलती रही है बारिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच गए हैं घर और यहीं पर मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग को एंड बहुत मजा आया इतने टाइम बाद। वहाँ पे खूबसूरत मौसम के साथ हमने कुकिंग खाने पीने को एंजॉय किया, चाय भी पी और काफी देर हम वहाँ पर बैठे रहे। चाय पीने के बाद ना मेरे अब्बू की बातें चलती रही, मेरे नाना अब्बू की बातें चलती रही, पुराने मेरी नानी अम्मा की बातें चलती रही, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे चाय पीने के बाद भी हम काफी देर वहाँ पर बैठे रहे और हमारी गपशप होती रही, बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद में। सच में बहुत ही ज्यादा सुकून आया क्योंकि शहर से दूर और हाँ ठंडा मौसम, जैसे गर्मी के इस मौसम में मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा था और हमने भी उसे अपने तरीके से, हमने उसे अच्छे तरीके से इंजॉय करने की कोशिश की, सबकी यादें भी ताज़ा हो गई। तो खैर बस अब यहीं पे अपने वीडियो को करती हूँ एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी बहुत सारी दुआ में हमें याद रखें और अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सबने जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़।